का पल्ला भारी लग रहा है मेरे को तो, क्योंकि आधे लोग को ना महतारी वंदना का लाभ मिला है, आधे लोग को नहीं मिला है। जो है वो सिर्फ धर्म के प्रति लगाव है उनको, ना ही युवाओं के प्रति उनको लगाव है, जबकि देखा जाए तो युवा जो है अधिकतम बेरोजगार है। और हम चाहते हैं कि हमें रोजगार मिले, और हमें वो नेता चाहिए जो हमें रोजगार दे सके, ना कि धर्म को। हमारे क्षेत्र के लिए उन्होंने कोई भी कार्य नहीं किया, बल्कि और नरवा गुरवा बारी को पूरा चोरों बोरों करके पूरा देश का कार्य को भी पूरा चोरों बोरों किया। नमस्कार, छत्तीसगढ़ तक में आपका स्वागत है। मैं हूँ परमानंद रजक। लोकसभा आम चुनाव के दूसरे चरण के मतदान 26 अप्रैल को होना है। राजनांदगांव संसदीय सीट के लिए सिर्फ 2 दिन मतदान के लिए शेष बचे हुए हैं। हमारे साथ कुछ महिलाएं यहाँ पे मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं कि यहाँ पे संतोष पांडे का पलड़ा भारी है कि भूपेश बघेल का पलड़ा भारी है। जी बताएं, यहाँ पे किसका पलड़ा भारी लग रहा है आप लोग को? भूपेश बघेल का पलड़ा भारी लग रहा है मेरे को तो, क्योंकि आधे लोग को ना महतारी वंदना का लाभ मिला है, आधे लोग को नहीं मिला है, और कार्यकर्ता भी है ना वो देख देख के काम करते हैं। बताएं किसका पल्ला भारी नजर आ रहा है? बंजा का पल्ला भारी नजर आ रहा है। क्यों भारी नजर आ रहा है? क्योंकि वो पहले से मतलब बेहतर करना चाहते, कुछ नया आना चाहिए, इसलिए बंजा ही ठीक रहेगा इस बार आने के लिए। संतोष पांडे क्यों नहीं? संतोष पांडे को देख लिए, 5 साल तो कुछ नहीं दिखे, हम तो उनको देखे ही नहीं थे आज तक, तो उनको क्या देंगे फिर से। और जो भी थे भूपेश बघेल जी करे हैं, अपना बहुत सहयोग करे हैं वो, और आगे भी करेंगे वो, इसलिए एक बार उनको फिर से लाना चाहते हैं। बताएं किसका पल्ला भारी नजर आ रहा है? कांग्रेस का पल्ला भारी। क्यों अच्छा है इसीलिए हो रहा है। 2 दिन बचे हैं मतदान के लिए। भूपेश बघेल यहाँ पे कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, संतोष पांडे भाजपा के प्रत्याशी हैं, तो इसमें किसका पल्ला भारी नजर आ रहा है आप लोग बताएं, कांग्रेस का कि बीजेपी का? कांग्रेस का। जी बताएं कांग्रेस का। क्यों? क्योंकि सर हम चाहते हैं कि जो देश का विकास नहीं हो पा रहा है, तो भूपेश बघेल जी के साथ में हम रहकर हमें बेरोजगारी से मुक्ति मिले, और जो महंगाई बढ़ रही है वो भी नहीं होगा, क्योंकि महंगाई इतनी बढ़ चुकी है कि आज कुछ नहीं कर पा रहे, पढ़े लिखे लोग बेरोजगारी होके देश में घूम रहे हैं। जी बताएं किसका पल्ला भारी नजर आ रहा है, भूपेश बघेल का पल्ला भारी नजर आ रहा है कि संतोष पांडे का? भूपेश बघेल का। क्यों क्यों भारी नजर आ रहा है बताओ? भाजपा के जमाने में महंगाई बढ़ गई है, इसीलिए महंगाई बढ़ी है तो सस्ता हो जाए, इसीलिए यहाँ ज्यादा जरूरी है वोट देखिए। बघेल का, बघेल का क्योंकि महंगाई संविधान बचाना हमारा। लोकसभा चुनाव के लिए मतदान के लिए सिर्फ चंद दिन बचे हुए हैं, 2 दिन बचे हुए हैं, किसका पल्ला भारी लग रहा है आप लोगों को, भूपेश बघेल की संतोष पांडे? मुझे तो लग रहा है कि भूपेश बघेल का है, क्योंकि जो है बीजेपी जो है वो सिर्फ धर्म के प्रति लगाव उनको, ना ही युवाओं के प्रति उनको लगाव है, जबकि देखा जाए तो युवा जो है अधिकतम बेरोजगार है। क्या जो है रामलला को ला लेने से क्या उनको है खाना पीना मिल जाएगा, क्या उनको पैसे मिल जाएगी, उनका जीवन यापन हो जाएगा? ऐसा नहीं है, राजनीति में धर्म को लाना यह उचित नहीं है, पर वो ऐसा कर रहे हैं कि राजनीति में संपूर्ण तरीके से जो है धर्म को ला रहे हैं। और हम चाहते हैं कि हमें रोजगार मिले, और हमें वो नेता चाहिए जो हमें रोजगार दे सके, ना कि धर्म को। किसका पल्ला भारी नजर आ रहा है? जी मुझे तो कांग्रेस का पल्ला भारी नजर आ रहा है, क्योंकि जो कांग्रेस है वो किसानों पर ज्यादा ध्यान दे रहे हैं, और किसानों की संख्या छत्तीसगढ़ में देखे तो सबसे ज्यादा है। जी जी आप बताएं किसका पल्ला भारी नजर आ रहा है? मुझे तो संतोष पांडे का पल्ला भारी लग रहा है, क्योंकि अभी सारे जनता जो है पीएम मोदी को देख के मतलब चुनना चाहते हैं, ठीक है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि 2 साल के मतलब 2 साल के कार्यकाल में मोदी जी ने मतलब इतना अच्छे से काम किया है, और एक बार फिर से हम जो है उनको प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं। 26 अप्रैल को मतदान होना है लोकसभा क्षेत्र के लिए। यहाँ पे भाजपा ने संतोष पांडे को टिकट दी है, मैदान में है, वही पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, किनका पल्ला भारी नजर आता है आप बताएं? अभी तो भारतीय जनता पार्टी संतोष बघेल का संतोष पांडे का पल्ला भारी है। क्यों? क्योंकि मोदी जी ने जो विकास कार्य किए उसके तहत संतोष पांडे का पल्ला भारी, और इससे पहले जब मुख्यमंत्री थे भूपेश बघेल, उसने तो यहाँ राजनांदगांव देखा भी तक नहीं है, और हमारे राजनांदगांव बहुत पीछा छोड़ के अपना कार्य किए, इसलिए आज की जनता वहाँ भूपेश बघेल को पूछ नहीं रही है। जी आप क्या कर रहे हैं? मैं ये कर रहा था सर कि 5 साल मुख्यमंत्री रहने के बाद भी
ये जो अपना योजना चलाए थे गरवा नरवा बाड़ी का, कहीं ना उसका तो विकास दिखा ही नहीं। इसलिए क्या है, यहाँ की जनता पूरी तरह उसको नकारेगा। और इस बार संतोष पांडे को पूरी उम्मीद के साथ, संतोष पांडे जी यहाँ पे लोकसभा का सांसद बन के आएंगे जी। आपका क्या कहना है, किसका लोकसभा के लिए 26 तारीख को मतदान होना है? राजनांदगांव से भाजपा प्रत्याशी संतोष पांडे मैदान पे हैं, वही कांग्रेस के भूपेश बघेल हैं पूर्व मुख्यमंत्री। तो आपको किसका पड़ना भारी लग रहा है, क्या बोल के मतदान करेंगे आप बताएं? हमें माननीय श्री संतोष पांडे जी का पड़ना भारी लग रहा है, क्योंकि उन्होंने अपने मेरे हमारे राजनांदगांव के लिए इतने काम किए हैं, 5 वर्षों में बहुत ही काम किए हैं। हर जगह रेलवे की सुविधा दी है, वंदे भारत को यहाँ पे रुकवाया है और नई रेलवे लाइन सब जगह शुरुआत की रही है। और हम अपने हिंदू धर्म राष्ट्र हित के लिए सबसे पहले हम बीजेपी को वोट देंगे। जी किसका पड़ना भारी नजर आ रहा है? माननीय श्री संतोष पांडे जी का। क्यों नजर आ रहा? क्योंकि उन्होंने कवर्धा में मेडिकल कॉलेज, केंद्रीय विद्यालय डोंगरगढ़ में और भी रेलवे स्टेशन का मतलब जो भी है, उन्होंने बहुत सारे विकास कार्य किए हैं और यहाँ के कार्य के लिए अपने संसदीय क्षेत्र के लिए उन्होंने बहुत सारे अपने लोकसभा क्षेत्र के संसद में उठने अपने क्षेत्र के विकास के लिए मुद्दा उठाया और उन्होंने उस कार्य को पूर्ण किया है। भूपेश बघेल क्यों नहीं? भूपेश बघेल पूरा गंगा जल को लेके हाथ में, उन्होंने झूठी कसमें खाई और हमारे क्षेत्र के लिए उन्होंने कोई भी कार्य नहीं किया, बल्कि और नरवा गुरवा बारी को पूरा चोरों बोरो करके पूरा देश का कार्य को भी पूरा चोरों बोरो किया। जी जी बताएं किसका पड़ना भारी नजर आ रहा है जी बताएं? हमें तो संतोष पांडे जी का ही पड़ना भारी नजर आ रहा है। क्यों नजर आ रहा है? जी जी आप बताएं किसका पड़ना भारी नजर आ रहा है? संतोष पांडे जी का पड़ना भारी लग रहा है, क्योंकि उन्होंने महिलाओं के लिए बहुत सारे काम किए हैं। किस तरह के काम किए महिलाओं के? महतारी बंधन योजना, उज्ज्वला गैस योजना, ये सब किए हैं। मकान और आवास ये सब दिलवाए हैं। महाराज महतारी बंधन योजना में कई महिलाओं को राशि नहीं मिली है, क्या कहना? जिन्होंने भरा उनको सभी को मिला है। जी जी आप क्या कहना चाहेंगी, किनका पड़ना भारी नजर? प्रधानमंत्री। क्यों? बहुत कुछ किए हैं हमारे देश के लिए, आवास ला दिए हैं, क्या बोलते हैं बंधना योजना दिए हैं, महतारी बंधना, और बहुत कुछ किए हैं हम लोग औरत के लिए, बहुत सारा चीज किए हैं। दान करेंगे? हाँ, उन्होंने हिंदू राष्ट्र बनाया, अयोध्या मंदिर बनवाया और महिलाओं के लिए जनधन योजना बनवाया, किसानों को बोनस दिया, मतलब उन्होंने पूरा देश के लिए बहुत कुछ किया, इसीलिए हम उनको वोट देना चाहते हैं। एक बार फिर मोदी सरकार लाना चाहते हैं। कैसा सरकार बनाना चाहते हैं आप लोग, क्या आप मन में विचार करके आप मतदान करें? हम तो सबसे पहले ये देख रहे हैं कि उन्होंने औरतों के लिए सबसे अहम भूमिका ये निभाई है कि हर महीने महतारी बंधन योजना चालू किया है, जिससे औरतों को अपनी खर्चे के लिए बहुत बेनिफिट मिल रहा है, कुछ ना कुछ उनका आवश्यकता पूरी हो रही है। जी राजनांदगांव संसदीय सीट पे जहां कांटे की टक्कर नजर आ रही है, भाजपा ने जहां संतोष पांडे को टिकट दिया है, वहीं कांग्रेस ने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को टिकट दिया हुआ है, दोनों के बीच कांटे का टक्कर दिखाई दे रहा है। 4 जून को इसका फैसला आएगा। परमानंद रजक, छत्तीसगढ़ तक, राजनांदगांव।